Good morning, children. How are you? I hope you all will be fine. तो आज हमारा हिंदी लिटरेचर का टर्न है. हिंदी लिटरेचर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है किसी को न कहना, मतलब कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति को न बताना. अगर इंग्लिश में बोलें, डोंट टेल एनीवन, किसी को ना कहना, डोंट टेल एनीवन. तो चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले इसके बारे में पाठ परिचय में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है. कुछ लोग किसी भी बात को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते, वे किसी ना किसी को अवश्य बोल देते हैं, जिसके कारण उन्हें पछताना भी पड़ता है. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने हमें कोई बात बताई और उसने कहा कि ये वाली बात किसी दूसरे व्यक्ति को तुम मत बताना. उस व्यक्ति ने तो अपनी बात आपको ट्रस्ट करके, विश्वास करके बताई थी, लेकिन आपने उसका विश्वास तोड़ते हुए वो वाली बात किसी तीसरे व्यक्ति को बता दी, जिसके कारण हो सकता है कभी कभी आपको पछताना भी पड़ जाए. तो चलिए, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. इंद्र देवताओं के राजा हैं. आप लोगों ने भगवान इंद्र का नाम तो सुना ही होगा. भगवान इंद्र सभी देवताओं के राजा माने जाते हैं. उनका एक हाथी है. भगवान इंद्र के पास एक हाथी है, एलिफेंट, बिल्कुल सफ़ेद. उसका कलर कैसा है? उसका कलर या फिर रंग सफ़ेद है. नाम है ऐरावत, और उस हाथी का नाम क्या है? ऐरावत. एक दिन ऐरावत धरती की दुनिया देखने निकला. भगवान इंद्र का जो हाथी था, एक दिन उसने सोचा, चलो मैं धरती या फिर पृथ्वी पर घूम के आता हूँ. तो वह धरती को देखने के लिए निकल पड़ा. रात का समय था, और धरती देखने के लिए वह किस समय आया था? रात के समय. वह एक गन्ने के खेत में उतरा. जब वह रात में धरती पर आया, तो वह एक गन्ने के खेत में उतरा, लगा गन्ने खाने. अब वह गन्ने के खेत में उतरा तो इतने मीठे मीठे और बड़े बड़े गन्नों को देखकर वह गन्नों को खाने लगा. आप लोगों को गन्ने पसंद हैं? बताइए, किस किस को गन्ने पसंद है? चलिए, वेरी गुड. वाह, क्या मीठा रस है. और ऐरावत ढेर सारे गन्ने खा गया. उसने गन्ने खाना शुरू किया तो उसको गन्ने बड़े मीठे लगे. तो वह बोला, वाह क्या मीठा रस है. और वह सारे गन्ने, बहुत सारे गन्ने खा गया. सुबह हुई, किसान ने खेत देखा और चिल्लाने लगा. जब सुबह के समय किसान अपने खेत में आया और उसने खेत की हालत देखी, तो वह चिल्लाने लगा. सोचिए, वह क्यों चिल्लाने लगा होगा? क्योंकि ऐरावत ने गन्ने खाकर उसका पूरा खेत उजाड़ दिया होगा. कौन मेरे गन्ने खा गया? और वह चिल्ला के क्या बोला, कौन था भाई जो मेरे गन्नों को खा गया? आज रात को पकड़ूंगा बच्चू को. उसने गुस्से में क्या बोला, आज बच्चू को मैं रात में पकड़ूंगा. क्यों? क्योंकि उसको ये तो पता था कि जिसने भी मेरे गन्ने खाए हैं और मेरा खेत उजाड़ किया है, वह रात में ही आया होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि शाम को तो वह खेत से काम करके गया, और जब सुबह आया तो खेत उसको उजड़ा हुआ मिला. तो इसका मतलब, जो भी कुछ हुआ वह रात के समय में ही हुआ. वह घर गया और मोटा रस्सा लेकर रात को खेत में आ गया. फिर जब शाम को या किसी और समय में भी वह घर गया और उसने एक मोटा सा रस्सा लेकर वापस खेत में लौट आया. क्यों लौट के आया? कि जिसने भी उसका खेत खराब किया था या फिर उजाड़ा था, उसको पकड़ने के लिए. सूरज ढलते ही ऐरावत आसमान से उतरा. सूरज के ढलते ही ऐरावत जो था, वह कहाँ से उतरा? आसमान से. क्योंकि भगवान इंद्र कहाँ रहते हैं? आसमान में. बड़े मज़े ले लेकर गन्ने खाने लगा. आज फिर उसने क्या किया? आज फिर उसने मज़े ले लेकर गन्नों को खाना शुरू कर दिया. किसान ने रस्से का फंदा बनाया. किसान ने रस्से का फंदा बना लिया ताकि उसको, किसको? ऐरावत को पकड़ सके. घुमाकर ऐरावत की गर्दन में डाल दिया.
और उसने रस्से को इतनी जोर से घुमाया और उसने एरावत के गर्दन पे डाल दिया। फंदे में फंसा सफ़ेद हाथी देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। जब किसान ने देखा कि उसके फेंके हुए फंदे में कौन आया है पकड़ में, सफ़ेद रंग का हाथी, तो वह उस सफ़ेद हाथी को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। बोला, तुम तो इंद्रदेव के हाथी हो, तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? तो उसने उस हाथी से बोला, वो जानता था कि सफ़ेद हाथी इंद्र भगवान के पास है, तो उसने हाथी से बोला कि तुम तो इंद्रदेव के हाथी हो ना, तुम भगवान के हाथी हो, तो तुमने मेरे गन्ने क्यों खाए? क्या तुम्हारे यहाँ खाने को और कुछ नहीं मिलता? क्या तुम्हारे यहाँ पे, मतलब इससे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे घर पे खाने पीने को नहीं हो, तुम हमारा खाना क्यों खा रहे हो? उसी प्रकार किसान ने भी हाथी से कहा, क्या तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं मिलता जो तुमने मेरे सारे गन्ने खा लिए? ये देखिए, आपको इस पिक्चर में, इस चित्र में दिख रहा होगा, ये किसान है और ये एरावत है। किसान ने एरावत के गले में फंदा डाला हुआ है और ये उसका, किसान का खेत है जहाँ पे कई सारे गन्ने ज़मीन पे पड़े हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, एरावत बोला, मिलता है मिलता है, मिलता क्यों नहीं है? मेरे यहाँ तो बहुत कुछ खाने को मिलता है, पर इतना मीठा गन्ना नहीं मिलता। तुम्हारे गन्ने जितने मीठे हैं, इतने मीठे गन्ने मेरे यहाँ पर नहीं मिलते। सेब मिलते हैं घड़े जितने बड़े और सुनहरे। एरावत ने कहा कि मेरे यहाँ पे सेब मिलते हैं और उनका साइज जो होता है वो कैसा होता है, घड़े जितना बड़ा, मतलब मटके जैसा बड़ा, और सुनहरे रंग के होते हैं। अंगूर मिलते हैं तरबूज जितने बड़े और बिना बीज के, और अंगूर का साइज क्या होता है, जैसे कि तरबूज, अपने यहाँ अंगूर इतने मिलते हैं और एरावत के यहाँ पर इतने बड़े कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती। तरबूज जितने बड़े, सोच लीजिए आप कितने बड़े मिलते होंगे, और इतने बड़े होने के बावजूद उसमें बीज नहीं होता, अंगूर कैसे होते हैं बिना बीज के? किसान बोला, मुझे भी ले चलो अपने यहाँ। अब किसान को ये सारी बातें सुन के लालच आ गया, उसने कहा, मैं भी अब एरावत के यहाँ पर जाऊँगा। तो उसने एरावत से बोला, मुझे भी अपने यहाँ पर ले चलो। एरावत ने कहा, ठीक है, कल तुम तैयार रहना। एरावत भी तैयार हो गया उसको अपने यहाँ पर ले जाने के लिए। तो उसने किसान से क्या बोल दिया, ठीक है मैं ले चलूँगा, कल तुम तैयार रहना, पर किसी को बताना मत। लेकिन तुमको ये वाली बात किसी को बतानी नहीं है, ये वाली बात तुमको अपने तक ही रखनी है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। किसान घर गया तो सोचा, माँ को बता दूँ, बिना बताए गया तो माँ चिंता करेगी। ऐसा होता है ना कि अगर हम बिना बताए कहीं चले जाते हैं तो हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो किसान ने भी यही सोचा। उसने क्या सोचा कि अगर मैं माँ को बिना बताए कहीं पर जाऊँगा, कहीं पर मतलब एरावत के यहाँ पर जाऊँगा, तो माँ मेरी चिंता करेगी, परेशान हो जाएगी। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने सुना तो बोली, मैं भी साथ चलूँगी। अब ये बातें सुन के माँ को भी लालच आ गया। उसने कहा, मैं भी देखूँगी इतने बड़े बड़े फल कहाँ होते हैं। तो माँ ने किसान से बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। किसान ने कहा, ठीक है, किसी को बताना मत। अब किसान ने भी अपनी माँ से क्या बोल दिया, ठीक है तुम भी चलना, लेकिन ये वाली बात तुम किसी को बताओगी नहीं। माँ ने अपनी पड़ोसिन को बता दी। अब माँ के पेट में भी भला कोई बात पचने वाली थी, तो माँ ने क्या किया, पड़ोसन को बता दिया। पड़ोसिन ने अपनी सहेली को, सहेली ने अपने पति को, ये सारी बातें बता दी। पहले किसान ने अपनी माँ को बताई, माँ ने पड़ोसिन को बताई, पड़ोसिन ने सहेली को बताई, सहेली ने अपने पति को बताई। बस बात फैलती गई और किसान के खेत में भीड़ लग गई। सबको जब बात का पता चला तो सबके मन में यह विचार आया होगा कि हम भी तो देखें इतने बड़े बड़े फल कहाँ मिलते हैं। तो सबका मन हुआ एरावत के संग जाने का। तो सबने किसान के खेत में आकर खड़े हो गए और वहाँ पर भीड़ लग गई। एरावत आसमान से उतरा। अब सब लोग रात के समय में आए थे, तो रात थी, तो एरावत के आने का समय हो गया। तो एरावत आसमान से उतरा। सब पेड़ पौधों के पीछे छिप गए।
सब लोग कहाँ छिपे हुए थे? पेड़ पौधों के पीछे। क्यों? क्योंकि अगर वे लोग सामने होते तो एरावत या तो धरती पर आता नहीं, और अगर आता तो उनको ले जाने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं होता। किसान को देख एरावत बोला, मेरी पूंछ पकड़ लो। अब एरावत तो उड़ सकता था, लेकिन वो किसान को कैसे ऊपर लेके जाता स्वर्ग में, आसमान में? तो उसने किसान से बोला कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, जिसके सहारे मैं तुमको ऊपर ले जाऊंगा। किसान बड़ा सा थैला लेकर पूंछ पकड़ने लगा। किसान एक बहुत बड़ा सा थैला लेकर आया था, और थैले को लेकर वह हाथी की पूंछ को पकड़ने लगा। माँ ने किसान की टांगे पकड़ ली। अब माँ को भी तो जाना था, तो माँ ने क्या किया? माँ ने किसान की टांगे पकड़ ली। अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगी कैसे। और धीरे धीरे सब एक दूसरे को पकड़कर तैयार हो गए। ऐसे ही क्या हुआ, जितने भी लोग किसान के खेत में जमा हुए थे, सबने एक दूसरे की टांगे पकड़कर ऊपर जाने के लिए तैयारी कर ली। एरावत उड़ा तो लोग भी उड़ने लगे। जैसे ही एरावत उड़ा तो एरावत के साथ और लोग भी उड़ने लगे। अचानक एरावत बोला, एकदम से जब एरावत ने देखा कि मेरे पीछे तो कई सारे लोग आए हुए हैं, तो एरावत बोला, किसान भाई थैला क्यों लाए हो? एरावत ने किसान से पूछा, किसान भाई तुम थैला क्यों लेकर आए हो? ये देखिए, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये एरावत हाथी है, उसके पीछे किसान, जिसके पास एक बड़ा सा थैला है, किसान के पीछे उसकी माँ, और फिर कई सारे गांव वाले। तो इस प्रकार से सब लोग ऊपर जाने के लिए तैयार हो गए। अब आगे देखते हैं। किसान बोला, थैले में घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर भरकर लाऊंगा। किसान ने क्या बोला कि इस थैले में मैं घड़े जितने बड़े सेब, मतलब खूब सारे सेब और खूब सारे अंगूर भरकर लाऊंगा। एरावत ने फिर पूछा, कितने बड़े? एरावत ने किसान से क्या पूछा, कितने बड़े लाओगे तुम? किसान ने पूंछ छोड़कर हाथों से दिखाना चाहा। अब किसान ने क्या कहा एरावत के ये पूछने पर कि तुम कितने बड़े सेब लाओगे? किसान ने हाथी की पूंछ छोड़कर हाथों से दिखाकर बोलने लगा कि मैं इतने बड़े अंगूर और इतने बड़े सेब लाऊंगा। बस फिर क्या था, धम 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 धड़ाम। जैसे ही उसने हाथी की पूंछ छोड़ी, सब लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, धम 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 धड़ाम। अगले ही पल सब धरती पर लौट रहे थे। यहाँ पर लौट रहे थे मतलब धरती पर पड़े हुए थे। अगर कोई ऊपर से गिरेगा तो धरती पर गिर जाएगा ना, लेट जाएगा। तो यहाँ पर लौटने का मतलब लेटना, उल्टा गिरने से है कि जमीन पर आकर गिर पड़े। तो जैसे ही किसान ने हाथी की पूंछ छोड़ी, तो जितने भी लोग थे सब आके धरती पर गिर पड़े। एरावत ने कहा, मैंने कहा था कि किसी को मत बताना, लेकिन तुमसे एक बात नहीं पची तो तुम घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर क्या पचाओगे? एरावत ने गुस्सा करते हुए किसान से बोला कि जब मैंने तुमसे कहा कि ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी, लेकिन तुम नहीं माने और तुमने ये बात सबको बता दी, जब तुमसे एक छोटी सी बात नहीं पच पाई तो तुम घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूरों को कैसे पचा पाओगे? और एरावत अकेला ही आसमान में उड़ गया। और एरावत क्या हुआ, जब सारे लोग जमीन पर गिर पड़े तो एरावत अकेला ही वापस आसमान में उड़कर स्वर्ग चला गया। आप लोगों को एक बात पता है कि देवताओं के राजा इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता है। जैसे कि इन दिनों बारिश हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं इंद्र भगवान। इंद्र भगवान ही हमारे लिए वर्षा करते हैं, इसीलिए उनको वर्षा का देवता भी कहते हैं। अब देखते हैं कि हमने चैप्टर को पढ़कर क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं। नैतिक मूल्य मतलब वैल्यूज, आवश्यक बातों को गुप्त रखना। हमें किसी की बताई गई बात को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, मतलब सीक्रेट रखना चाहिए। अगर उसने हमसे मना किया है तो हमको वह बात किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी है। किसी का विश्वास ना तोड़ना। किसी ने विश्वास करके हमको कोई बात बताई है या कोई वस्तु रखने के लिए दी है,
तो हमको उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उसकी बात की या फिर उसकी वस्तु की रक्षा करनी चाहिए। लालच ना करना, जैसे कि किसान ने लालच किया था कि वह थैला लेकर आया था, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। और आनंद बोध, जैसे कि ऐरावत को मीठे गन्ने खाकर आनंद हुआ था, मतलब खुशी हुई थी, उसी प्रकार हमको भी खुश रहना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी, किसी को ना कहना। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी कोई बात बताता है, चाहे वह बात छोटी हो या फिर बड़ी, उसको हमें गुप्त ही रखना है ताकि उसका विश्वास ना टूटे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।